अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मन की दुनिया। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं कच्चे कीमे के कबाब। मेरे बच्चों ने फरमाइश की है कि मामा आज हमें कीमे के कबाब बना के दे, तो मैं बनाने वाली हूँ कबाब। आपके साथ शेयरिंग बनती है, हर दफ़ा बनती है, इस दफ़ा भी बनती है। तो मैं घरेलू टाइप से बनाऊँगी, आसान से तरीके से। तो आप भी देखें, अगर आपको मेरा तरीका पसंद आए तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा। मेरी वीडियो पसंद आए, ना भी आए तो लाइक कर दीजिएगा, देखनी तो है ही आपने। तो चले फिर बनाना शुरू करते हैं कच्चे कीमे के कबाब। तो फ्रेंड्स, ये है कीमा। इसमें मैंने नमक, मिर्च, हल्दी, अदरक, लहसुन डाल लिया है। बेसन मैंने साफ़ करके रखा है। अभी मैंने चूल्हा जला के तवा रखा हुआ है गर्म होने के लिए। इस पे हम डालेंगे और इसको भूनेंगे। और यहाँ पर देखें, ये मैंने पीसने के लिए साबुत धनिया और ज़ीरा रखा हुआ है। इनके साथ चाहिए होगा एक अदद अंडा भी। तो चले फिर अभी हम बेसन को भूनते हैं। ये हम डालेंगे, तवा बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है, तो बेसन जल जाएगा। तवा हल्का गर्म ही करना है। इसको फटाफट इस तरह लाएँगे और इसको भून लेंगे। तो फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे कि मैं बेसन को भून क्यों रही हूँ। तो फ्रेंड्स, बेसन को भूनना इसलिए ज़रूरी होता है कि अगर हम इसको कच्चा डालें तो इसके कच्चे कच्चे का टेस्ट आता है, वो कबाब का मज़ा ख़राब करता है। तो थोड़ा सा अगर हम इसको भून लेते हैं तो भूनने से ये होता है कि फिर कबाब का जो कच्चा सा टेस्ट होता है वो नहीं आता, सॉरी बेसन का कच्चा सा टेस्ट नहीं आता और कबाब जो होते हैं वो बड़े मज़े के बनते हैं। और इसको डालने से कबाब आपके जुड़ भी जाते हैं, टूटते नहीं है, इसलिए इसको भूनना ज़रूरी होता है। बेसन भून गया है, इसको हम थोड़ी देर छोड़ेंगे ठंडा होने के लिए। उतनी देर हम ऐसे करते हैं, अपना धनिया और ज़ीरा पीस लेते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं इसको पीस क्यों रही हूँ। इसको पीस इसलिए रही हूँ कि ये थोड़ा मोटा मोटा होगा ना, तो ये कबाब में मज़े का लगेगा जी। तो फ्रेंड्स, ये देखें मसाला रेडी हो गया है। तो इसमें मैंने प्याज भी काट के डाले हैं। प्याज आपने जब इसमें डालने हैं तो उसको कद्दूकश कर लें या ग्राइंडर में कर लें और इसको अच्छे से निचोड़ के फिर आपने कीमे में डालने हैं। कीमे का पानी भी अच्छी तरह से निकाल लेना, तो फिर आपके कबाब जो है वो टूटेंगे नहीं। तो अभी हम बनाना शुरू करते हैं। तवा मैंने पहले से गर्म होने के लिए रखा हुआ था। अभी हम इस पर ऑयल डालेंगे और इसको गर्म कर लेंगे और हम कबाब तवे पर बनाएँगे। तो फ्रेंड्स, अब हम कबाब बनाना शुरू करते हैं। तो पहले तो मैं इस पर ऑयल डालूँगी पे। हमने बहुत ज्यादा नहीं डालना, थोड़ा सा डालना है। और फ्लेम भी आपने जो है स्लो रखना है, बल्कि मैं थोड़ा और स्लो कर लेती हूँ। अभी हम इसको हमने अच्छे से मिक्स किया हुआ था, एक दफा फिर मिक्स कर लेते हैं। और अब हम जो है इसको तवे पे डालेंगे और इसको साथ साथ जो है वो पतला कर लेंगे। आपने थोड़ा सा लेना है कीमा और इसको शाबरी कबाब कह लें, इसको चपली कबाब कह लें, इसको होममेड कबाब कह लें, इस तरह से आपने जो सब जो है इसको हाथों से ला देना। फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें इस तरह से। इसमें मैंने ऑयल डाला है, ऑयल गर्म हो जाता है तो फिर हम इसमें डीप फ्राई करेंगे। अभी ऑयल हमारा गर्म हो जाता है तो हम इसमें डीप फ्राई करेंगे। पहले वाला फार्मूला तो फ्लॉप हो गया।
अब हम बाजारी स्टाइल छोड़ते हैं और घर का स्टाइल अपनाते हैं। बाजारी स्टाइल तो हमारा हो गया जी फ्लाप। अब देखें घर के स्टाइल से क्या बनता है। तो ये मैंने डाल दिया है कबाब बनने के लिए। अब देखिए इसको बनाने में कितना कामयाब होते हैं। इसको हम कोशिश करेंगे कि ये हमारे कबाब जो है ये टूटे ना, और इंशाल्लाह इंशाल्लाह टूटेगा भी नहीं। फाइनली हम जो हैं वो कबाब बनाने में कामयाब हो गए। ये देखिए इसमें भी ऑयल तेज़ गर्म करके मैंने डाला था, लेकिन बाद में इसका फ्लेम जो है वो स्लो कर लेंगे। इस तरह से गैस का बहुत प्रॉब्लम है पाकिस्तान में। असल में वहाँ पर चूल्हे पे गैस बहुत ही कम आ रही थी, शायद तवा अच्छे से गर्म नहीं था, तो इसलिए हमारा वो जो कबाब है वो टूट गया। अभी ये मैंने सिलेंडर पे रखा है तो ये देखें ये नहीं टूटा। इसके साथ ये तो आहिस्ता आहिस्ता बनता रहेगा। इसके साथ हम एक और डाल लेते हैं। लेकिन मैंने घी इतना ज़्यादा नहीं खाना था, तो मेरा दिल था कि मैं इसको कम ऑयल में पकाऊँ, लेकिन वो नहीं कामयाब हो सका। तो फिर हम अब इसके काम चलाते हैं। तो ये देखो जी बहुत खूबसूरत कबाब हमारे रेडी हो रहे हैं। इसको थोड़ा सा दबाएंगे ताकि ये अंदर से भी अच्छी तरह से पक जाए। कच्चे कबाब से हैं, इनको हल्की आंच पर आराम आराम से पकाना है, तेज़ आंच से नहीं पकाना। तेज़ आंच से पकाने से ये जल जाएंगे, इसलिए आपने इनको हल्की आंच पर पकाना है। कबाब बन गए हैं और मनियाँ लगी हैं। मनियाँ इधर देखें, मज़ा आया खा के? अल्लाह जी बताएगा मज़ा आया। हाँ। है ये कबाब जा रहा है रफाइल के पास। तो ये है जी, बहुत गर्म है, अभी लेके आई हूँ, ठहर जाओ, अभी ये खाएगा फिर आपको बताएगा कि कैसा बना है।